हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है सभी का एक और नई प्ले वीडियो में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद में खेलने वाले हैं GTA 5। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले कुछ ऐसे GTA 5 के सीक्रेट लोकेशन जिनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था और शायद से आपको भी नहीं पता होगा। और आज हम उन लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी सीक्रेट लोकेशन मिली है मेरे को बहुत सारी। तो सबसे पहले हमारी लोकेशन है एक आइलैंड है जहाँ पे मतलब घर है। बाकी सारे जो आइलैंड होते हैं वो तो ऐसे ही बना रखे GTA वालों ने, पर ये जो आइलैंड है इसके ऊपर घर है और ये शायद कोई अबंडेड घर है वहाँ पे। तो चल के देखते हैं भाई, देखते हैं कैसा घर मिलने वाला है हमको वहाँ पे। हमारी जी वैगन निकाल लेते हैं और पहले तो हम रोड से वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से हम बोट में जाएंगे। तो जल्दी से जी वैगन को भगाते हुए चलते हैं उस लोकेशन पे। ओके, तो अभी हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमको सीधा जाना है हमारी जी वैगन को भगाते हुए। और तुमको पता है भाई जी वैगन में कितनी पावर है, भाग देखो कितनी तेज रही है भाई। ओके, तो हम हमारी लोकेशन पे तो पहुंच चुके, पर यहाँ से हमारी जेट्स की जो है वो नीचे खड़ी है, तो हमको नीचे की साइड जाना पड़ेगा थोड़ा। तो देखते हैं भाई नीचे की साइड जाने का शायद रास्ता है भाई। अरे मेरे को नीचे जाना था, वो गाड़ी वाला क्यों चला गया भाई नीचे, वो अजीब ही है भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है नीचे जाने के लिए। यहाँ से नीचे चलते हैं और आगे हमारी शायद जेट्स की खड़ी मिलेगी हमको। ओके, तो यहाँ पे ये कौन सा जानवर है भाई यहाँ पे घूम रहा है, ये इसका है भाई ये। और ये यहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी है। चलो भाई यहीं पे हमको मिलने वाली है हमारी जेट्स की। यहाँ पे हम हमारी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और चलते हैं भाई नीचे। चलो भाई अभी चलते हैं सीधा हमारे उस आइलैंड के ऊपर, कहाँ पे वो आइलैंड हमारा पूरा वहाँ पे है। चलो भाई साहब, हम हमारे उस आइलैंड के ऊपर तो पहुँच गए। अभी देखना, ओ भाई यहाँ पे तो सच्ची में घर है भाई साहब। ये काफी बड़ा आइलैंड है भाई इन सभी में से। उत्तरी यहाँ पे बोट भी खड़ी है भाई, उत्तरी बंदे बैठे हैं भाई यहाँ पे, आग लगा। ओ भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, अलग ही घर बना रखा है तुम लोगों ने। ये क्या कह रहा है भाई, आलू खा रहा है क्या? और अरे भाग क्यों रहा है, मार थोड़ी रहा हूँ, यहाँ पे आग लगी हुई है इसके ऊपर चढ़ जाते हैं उत्तरी, जल जाएंगे। चलो भाई साहब ये देखो भाई, भाई ने चश्मा पहन रखा है खतरनाक वाला, इसके साथ पंगे नहीं लेने हमको। यहाँ पे घर वर बना पड़ा है, मेरे को लगता है ये कोई काम करने वालों की जगह है। और घर के अंदर देखते हैं क्या कुछ है भाई, कुछ नहीं है भाई, ये घर खाली पड़ा है। एक गद्दा है यहाँ पे, दो गद्दे हैं ऐसे ही पड़े, मुझे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सोता होगा। और ये एक बोट उल्टी पड़ी है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ड्रम व्रम और कुछ ये सामान ऐसा लग रहा है जहाँ कि यहाँ पे कोई काम करने वाले रहते हैं और जो पुल बनाएंगे यहाँ पे हैं भाई। ओ ये देखो भाई क्या खतरनाक जगह है भाई, यहाँ पे पूरे खतरनाक लहरें आ रही है, बड़ी बड़ी जगह तो अच्छी है भाई। यहाँ पे कोई एक मैंशन बनवा सकते हैं हम, पर ठीक है भाई ये जगह इतनी ज़्यादा सीक्रेट तो नहीं थी, पर हमको पता भी नहीं था कि यहाँ पे एक जगह है। तो अभी फिलहाल हम जाने वाले हमारी दूसरी जगह पे जो कि है एक सीक्रेट केव। ओके, तो अभी हम पहुंच गए हमारी गाड़ी के पास में और चलते हैं भाई जी वैगन लेके सीधा पहाड़ों के ऊपर उस लोकेशन को ढूंढने की, वो भी सच है या नहीं। ये तो सही निकला पर इतना मस्त नहीं था यार, पर ये क्या बता भाई कुछ डेंजर निकल जाए। तो चलते हैं भाई सीधा पहाड़ों के ऊपर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वो वाले पहाड़। ओके, तो हमारी उस लोकेशन पर हम पहुँच चुके हैं और यहीं पर आस पास में कहीं पर हमको वो मिल भी गई भाई। ये रही भाई वो केव भाई साहब, ये केव नहीं भाई, ये तो वो है माइनशाफ्ट है, जैसी माइनक्राफ्ट में मिलती है भाई। ये देखो ट्रेन का यहाँ पे ये भी पड़ा है, शवल ववल यहाँ पे। और ये क्या है भाई, कुछ सामान वामान भी पड़ा है यहाँ पे, ये डब्बा खाली पड़ा है क्या? ये तो सच्ची में भाई, पर ये बंद है, इसको तोड़ते हैं भाई। ये क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज क्लोज टू द पब्लिक, स्ट्रिक्टली नो एंट्री विदाउट परमिशन। भाई परमिशन तो हमको लेने की जरूरत है ही नहीं, हम तो यहाँ पे बम लगाएंगे और इसको फोड़ेंगे और अंदर जाएंगे भाई इसके। चलो भाई साहब इसको फोड़ देते हैं भाई, खुल भी गया ये भाई साहब, इसके अंदर जा सकते हैं भाई हम। यहाँ पे भाई मेरे को कुछ दिखाई तो भाई साहब ये क्या भाई, काफी डेंजर है भाई, ये पाइप पड़ी है यहाँ पे, कितने दिनों से बंद पड़ी होगी ये केव भाई। ये क्या भाई, डब्बों के अंदर क्या रख रखा है, कुछ नहीं भाई, डब्बे खाली भाई, भूत ना आ जाए यहाँ पे। एक मिनट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है भाई, कोई पीछे आ तो नहीं रहा है, काफी ज्यादा डेंजर जगह है भाई ये। ये देखो यहाँ पे दो रास्ते आ गए भाई, ओ ये कौन है भाई, भाई ये मरा हुआ बंदा पड़ा है भाई, मैं डर गया यहाँ पे, ये कौन है वैसे, ये है कौन भाई, पुराने जमाने का बंदा लग रहा है ये, इतने टाइम से मरा हुआ पड़ा है भाई यहाँ पे। इसका ड्रेसिंग सेंस देखो भाई, एकदम पुराने जमाने का, ये है कौन भाई,
ये यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है पता नहीं कितने टाइम से, पर भाई इसकी बॉडी तो गली नहीं हुई है, पर ये इतने टाइम से मरा कैसे फिर? मेरे को पता थोड़ी है, पर ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा है भाई, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर केव है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे भी दो रास्ते, दोनों बंद नहीं, एक खुला है। ये क्या है? वो यहाँ पे रास्ता एक और, भाई बहुत ज्यादा रास्ते है भाई यहाँ पे, यहाँ से आगे बंद पड़ा है, ये यहाँ पे भी बंद है। चलो भाई वो दूसरा रास्ता जाके देखते हैं, इस बार इस साइड जाके देखते हैं भाई। ये वाला रास्ता मेरे को लंबा लग रहा है उस वाले से, इस वाले रास्ते पे जाके आते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे? ये बंद है, उस साइड चलेंगे आगे। चलो 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 चलो, बंद है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे, बाहर चलते हैं, हमारी अगली लोकेशन पे चलेंगे भाई अभी, यहाँ से तो बाहर निकलते हैं पहले। चलो भाई साहब, मैं केव से बाहर तो आ गया हूँ, और अभी भाई हम जाने वाले एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हमको मिल सकती है भाई सीजे की ग्रेव। भाई सीजे की कबर है उस जगह पे, लोग कहते हैं, उसका पक्का पता नहीं है कि वहाँ पे सीजे की कबर है क्या और किसी की है, पर भाई वहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पे सीजे, वो जो सैन एंड्रियास वाला सीजे, उसकी वहाँ पे कबर है लोग बोलते हैं, पर पता नहीं कि भाई यहाँ पे है या नहीं। उस जगह पे जाके ही पता चलेगा कि वो ग्रेव किसकी है, मतलब ग्रेव को हम खोद तो नहीं सकते, वो एक मोड़ लगा के खोद सकते हैं, पर भाई पता नहीं मोड़ के अंदर है या वो ऐसे ही है, उसका कुछ भी नहीं पता भाई। तो वहाँ पे जाने के बाद में ही हमको पता चलेगा कि वो सीजे की ग्रेव है या नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि वो सीजे की ग्रेव मिलने वाली है वहाँ पे। ओके, तो भाई हम पहुँचने वाले हैं उस सीजे की ग्रेव वाली लोकेशन के ऊपर। ये आ गई भाई वो लोकेशन, भाई साहब भाई यहाँ पे तो सच्ची में ग्रेव है भाई साहब, पर ये है किसकी भाई साहब? सच्ची में भाई यहाँ पे ग्रेव, ये देखो भाई यहाँ पे ये प्लस का साइन भी बना हुआ है, ग्रेव तो भाई है यहाँ पे, पर इसको हम खोद नहीं सकते। मेरे को लगता है ये ग्रेव सीजे की नहीं है भाई, क्योंकि भाई अगर सीजे की ग्रेव, इसके अंदर कैसे आ सकती है भाई सीजे की ग्रेव? सीजे भाई जिंदा है भाई सैन एंड्रियास के अंदर, इसके अंदर तो भाई और किसी की ग्रेव लग रही है, पर है भाई ये अलग ही डेंजर जगह पे भाई। मुझको लगता है भाई आज के लिए बहुत हो गया यार, वीडियो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। बस यार आज के लिए बस इतना ही भाई, कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।